Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the third chapter of 10th Maharashtra State Board New Syllabus Geography Chapter.

we are having yellow region or the plateau region where the height is more 200 meters or and we are having some area that is sea level, jo niche ka le green region e, that is near sea level. So we are having different different types of region in this world uh, in, the, in the India. So we are having mountains, we are having plateaus, we are having we are having plains, we are having desert, we are having coastal plains, we are having uh, islands in India. So let us see, see what are the different physiographic divisions of India and what are the different characteristics of that physical division. See, uh, if you see physiographic division of India, so we are having Himalayan uh, mountains in the north. We are having northern plains here. We are having uh, Great Indian Desert here. We are having plateau region or peninsula region here. Here we are having coastal plain. This yellowish region. This is peninsula region. This plateau region. Hai. और ये जो ग्रीनिश रीजन है दैट इज प्लेन और कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया गार्ड्स ये वी आर हैविंग ईस्टर्न गार्ड्स ये वी आर हैविंग माउंटेन्स कॉल्ड एज सतपुड़ा विंध्यास यर वी आर हैविंग हिमालयन माउंटेन यर वी आर हैविंग अरावली माउंटेन ईयर वी आर हैविंग थार डेजर्ट और वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट एज मरुस्थली दिस आर द वेरियस डिजन ऑफ दिस इज द मॉडल ऑफ अ माउंटेन अगर ये माउंटेन रीजन है माउंटेन के एक तरफ कुछ रिवर्स फ्लो करते हैं माउंटेन की दूसरी तरफ कुछ रिवर फ्लो करते हैं सो माउंटेन इज डिवाइडिंग द वॉटर सो यहाँ जो वाटर आता है और यहाँ वाटर आता है लाइक so, so, in like आरवली माउंटेन लाइक वेस्टर्न गार्ड ईस्टर्न गार्ड विंध्या माउंटेन दैट आर एक्टिंग एज अ वाटर डिवाइड सो विधिया माउंटेन्स के इस तरफ कुछ रिवर्स आते इस तरफ कुछ रिवर्स आते हैं वेस्टर्न गार्ड्स के इस तरफ कुछ रिवर्स आते हैं इस तरफ रिवर आते दैट आर दिस माउंटेन्सर एज अ वटर सो इन विच द फर्स्ट क्वेश्चन ईयर डेट इज गज इन विच डिरेक्शन डज द रीजन विद एन एल्टीट मोर दैन सिक्स थाउजेंड मीटर लाई सो इट इज लाइंग इन द नॉर्दन रीजन नार्दर्न पार्ट ऑफ रीजन नार्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लुक एट दो इन विच रीजन इज द स्लोप ऑफ द रीजन इन द नॉर्थ सोन इन द डार्क ग्रीन सो स्लोप ऑफ द रीजन द डिक्शन ऑफ द स्लोप ऑफ द रीजन टू द नॉर्थ यहाँ का जो डिरेक्शन है यह डार्क ग्रीन का डिरेक्शन यहाँ अगर रिवर्स है तो नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है इस तरफ फ्लो करती है यहाँ के जो रिवर्स है ये यहाँ के जो रिवर्स है तो ऐसे फ्लो करते हैं जैसे अगर दिल्ली से रिवर स्टार्ट हो रही है तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएगी यहाँ के जो रिवर्स है नॉर्थ की तरफ जाते हैं नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो स्लोप इस तरफ है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ प्लाटूज लोकेटेड बिटवीन अरवली रेंजेस एंड छोटा नागपुर प्लाटो सो यूर वी आर हैविंग आरवी रेंजेस एंड यूर वी आर हैविंग छोटा नागपुर प्लाटू तो छोटा नागपुर प्लाटू अरवली के बीच में कौन से प्लाटू कौन से प्लाटूज है सो यूर वी आर हैविंग मालवा प्लाटू बुंदेलकन प्लाटो एंड बागेलकन प्लाटो दिस आर द थ्री प्ला दिस आर द थ्री प्लाटो रीजन दट आर बिटवीन आरोली रेंजेस एंड छोटा नागपुर प्लाटो सो छोटा नागपुर प्लाटू एंड आरोली रेंजेस आर हैविंग थ्री प्लाटोज मालवा प्लाटो बुंदेलकन प्लाटू एंड बागेलकन प्लाटू एंड विच माउंटेन डी मार्केट्स द डीप प्लेंस ऑफ ब्रह्मपुत्रा सो बाउंटेन डी मार्केट्स डी प्लेंस ऑफ ब्रह्मपुत्रा आर पूर्वाचल माउंटे गारो खांसी जे एंटीआई हिल्स है ये डिवाइड करते हैं उस रीजन को दट आर कॉल्स पूर्वाचल माउंटेन्स ऑल्सो

दूसरे तरफ लैंड है दूसरे कंट्रीज से सो यू वी आर हैविंग अटलांटिक ओशन एंड यू वी आर हैविंग गुएना हाईलैंड और गुएना प्लाटू टाइप रीजन सो गुएना हाईलैंड ये वी आर हैविंग एमेजॉन रिवर बेसिन अमेजॉन रिवर बेसिन इज अ रीजन इन फ्रॉम विच अमेजॉन रिवर इज फ्लोइंग यू वी आर हैविंग ब्राजीरियन हाईलैंड यू वी आर हैविंग ग्रेट एस्कारेंट

taller mountains in brazil there are very very low lying hills see now let us see what is the physiographic divisions of india there are five physiographic divisions of india first is himalayas second is northern indian plains third is peninsula or plateau region and fourth is coastal plain and fifth is island group now for let us let us talk with himalaya first himalayas is one of the young fold mountains in the world the himalayan extend from pamir knot to, to uh, in tajikistan to to the east सी इफ यू सी द हिमालयन माउंटेन हिमालय था स्टार्टिंग फ्रॉम यर एंड एंडिंग फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश वी आर हैविंग हिमालय सो हिमालय से एक आर्क है सर्कल की आर्क जैसा है ये नेपाल और भूटान से भी हिमालय पास होता है एज दिस इज इंडिया मैप सो यहाँ इंडिया का ही हिमालय के बारे में दिया हुआ है यर देर इज कंट्री कॉलेज तजिकिस्तान फ्रॉम तजिकिस्तान देर इज अ नॉट देर इज अ माउंटेन कॉलेज पामीर नॉट एन यर वी आर हैविंग अ माउंटेन कॉलेज नामचा बरवा सो फ्रॉम पामीर नॉट टू नामचा बरवा ये एक दो हिमालयन माउंटेन को एक क्लिप एक पिन की जैसा अटैच करके रखते हैं सो इट इज देयर दिस पामीर नॉट एंड नामचा एक्टिंग एज अ पिन दैट आर फिक्सिंग हिमालयस। सो हिमालय एक्टिंग लाइक अर्क इट इज लाइक अ आर्क हिमालय आर फ्राम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश सो फ्राम अरुणाचल प्रदेश टू जम्मू कश्मीर वी आर हैविंग हिमालय सी इफ यू सी द हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन दर्ल्ड लास्ट इयर वी हैव स्टीड अबाउट हिमालय हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल माउंटेन्स इन द वर्ल्ड इट एक्शन फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश हिमालयस इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज देर आर मनी पैरल रेंजेस इन सिस्टम सो हिमालयस का एक माउंटेन नहीं है जैसे जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुआ और अरुणाचल में एंड हुआ ऐसा एक माउंटेन नहीं है इट इज़ लाइक अ रेंज कुछ माउंटेन रेंज छोटा हाइट है कुछ माउंटेन रेंज का बड़ा हाइट है कुछ माउंटेन रेंज का बहुत बड़ा हाइट है, है सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है उसका नाम है हिमाद्री और अपर हिमालयास उसके बीच में जो माउंटेन रेंज है जाट आर कॉल ग्रेटर हिमालयास और सबसे छोटा है जाट आर शिवालिक्स आर यंगर ऑफ द ऑल थ्री सबसे यंगर है शिवालिक सो नेर आर थ्री पैरल रेंजेस इन द साउथ द सदर मोस्ट इज कॉल्ड एज शिवालिक सबसे छोटा है और सबसे सदर मोस्ट इज कॉल्ड एज शिवालिक इट इज द यंगस्ट रेंज नेक्स्ट टू द शिवालिक्स आर लेसर हिमालय अबव शिवालिक वी आर हैविंग लेसर हिमालयस एंड सबसे ग्रेटेस्ट है ग्रेटर हिमालय और सबसे टॉलेस्ट है ग्रेटर हिमालय और इट इज ऑल्सो एज हिमाद्री अबव दैट अबव हिमालय ट्रांस हिमालय काराकोरम रेंजेस आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ सो रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रेस्पेक्ट टू डी सबसे यंग है शिवालिक एंड सबसे ओल्ड है ट्रांस हिमालय और हिमात्री एंड द माउंटेन रेंजेस आर डिडेडर्न हिमालय कश्मीर में जो हिमालय है वेस्टर्न हिमालय सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कश्मीर हिमालय इन सेंट्रल रीजन इन उत्तराखंड इन हिमाचल प्रदेश वी आर हैविंग हिमालय आर कॉल्ड एज कुन हिमालय इन द ईस्टर्न पार्ट और इन द आसाम वी आर कॉल्डिंग द हिमालयन रेंजेस एज आसाम हिमालयज नेक्स्ट इज नॉर्दर्न प्लेन लैंड लाइंग बिटवीन हिमालयस एंड प्लाटू रीजन और पेनिंसुलर रीजन हिमालयस नॉर्थ में है और प्लाटू रीजन साउथ में है उसके बीच में जो लैंड है दैट इज कॉल्ड एज प्लेन्स प्लेन्स आर आल्सो डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स सो गंगा रिवर ने जो प्लेन बनाया दैट इज कॉल्ड एज गंगा प्लेन गंगा रिवर जब भी फ्लो करता है वो अपने साथ सैंड सेडिमेंट रॉक डिपॉजिट करता है जब भी डिपोजिशन बार बार हर साल बढ़ जाता है तो वहां प्लेन बन जाते हैं सो दैट इज गंगा प्लेन ब्रह्मपुत्र रिवर ने जो प्लेन बनाया दट इज कॉल एज ब्रह्मपुत्र प्लेन इन पंजाब रिवर एंड इट ट्रूटरीज इज कॉल एस पंजाब प्लेन सो प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू ये अरवली रेंजेस आर एक्टिंग एज अ बाउंड्री सोर वी आर हैविंग वन पार्ट एंड हियर वी आर हैविंग वन पार्ट सो गंगा प्लेन्स आर लोकेटेड हियर एंड अदर प्लेन्टेड हियर सो अरवली रेंजेस आर एक्टिंग एज अ बाउंड्री बिटवीन दैट प्लेन

Most of the West Bengal, West Bengal state of India and Bangladesh together constitute delta region of Ganga Brahmaputra system. It is known as Sundarbans. There are trees called as Sundri trees. Sundri trees melt. They say, It is considered to be world largest delta. So this is the photograph of delta. So this blackish region or black region is land, and this white region is water or river. So, ये रिवर के डेपिट करते करने के बाद यहाँ लैंड बन गया सो दिस इज द डेल्टा दिस इज सुंदरबन डेल्टा सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म बिकॉज ऑफिशन ऑफ गंगा रिवर एंड रिवर सुंदरबन डेल्टा इज इन बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज ऑक्युपाइड बाय डेजर्ट सो इन राजस्थान द प्लेन्स आर कॉल्ड एज थारेजर्ट और मरुस्थली मोस्ट ऑफ द राजस्थान इज ऑक्युपाइड बायर्ट द नॉर्दर्न डेजर्ट लाइक टू द प्लेन्स पंजाब द रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरवलीज एंड दिल्ली रेंजेस दिस डेपोजिशन वर्क सतलज रिवर सतलज रिवर के डेपोजिशन की वजह से पंजाब प्लेन्स बनाए एंड स्लोप ऑफ द प्लेन्स इज टूवर्ड वेस्ट सो हमने देखा कि गंगा प्लेन्स का स्लोप ईस्ट की तरफ है सो so, गंगा से अगर दिल्ली से पानी स्टार्ट होगा तो ये बंगाल की तरफ फ्लो करेगा ईस्ट की तरफ फ्लो करेगा अगर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब से जो रिवर फ्लो करते हैं ये ईस्ट की तरफ नहीं आते उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं आते दैट आर गोइंग टूअर्ड्स पाकिस्तान सो द स्लोप इज टूवर्ड्स पाकिस्तान और वेस्ट द प्लेन एज फॉर्म रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन बाय सतलज एंड इट स्लोप ट्स द वेस्ट बिकॉज ऑफ द सॉइल ईयर इज फर्टाइल एग्रीकल्चर इज लार्जली लार्जली डन ईयर एंड इट इज अ मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया इन अवर कंट्री सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्लेन्स में होता है गंगा प्लेन और सतलज प्लेन ब्रह्मपुत्र प्लेन इस रीजन में होता है एंड बिकॉज ऑफ द मोर एग्रीकल्चर इज डन इट इज लार्ज इट इज मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया इन अवर कंट्री नेक्स्ट इज पेनसुला द एरिया लाइन टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टेपरिंग टूवर्ड्स द इंडियन ओशन इज कॉल्ड एज इंडियन पेनिसुला सो इफ यू सी द पेनिसुला रीजन इट इज टेपरिंग टुवर्ड द साउथ यहाँ ब्रॉड एरिया है और यहाँ टेपर कर रहा है यहाँ पॉइंटेड पार्ट बन रहा है इट इज टेपरिंग टूवर्स इंडियन ओश सो इट इज कॉल्ड पेनिसुला इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेनिसुला प्लाटू So, it consists of many plateaus and hill ranges. The Aravallis in the north are the oldest fold mountains here. So, Aravallis are one of the oldest mountains that are found in the world. It includes series of plateaus bordering plains. Vindhya, Satpura's ranges and center part of hilly regions and western ghats. So, here we are having Vindhya ranges. So, these are the Vindhya ranges. These are Satpura ranges. Here, western ghats. Also in Maharashtra, we are also calling it as Sayadri. Here, we are having eastern ghats. वेस्टर्न घाट का जो सबसे टॉलेस्ट पीक है उसका नाम है महेंद्र गिरी इट इज महेंद्रगिरी एंड सब सबसे टॉलेस्ट सबसे टॉलेस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का इट इज़ कॉल्ड एज अनायमोडी सो अनायमोडी इज यर नीलगिरी माउंटेन्स आर लोकेटेड यर इफ़ यू सी द घाट रीजन और इफ यू सी दिस घाट वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स आर मोर टॉलर वेस्टर्न घाट का ढाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है गुजरात से केरला तक वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है बट इफ यू की सी दिस पार्ट दिस इज नॉट कंटिन्यूअस यहां एक माउंटेन है यहां बीच में ब्रेक है यहां वापस माउंटेन है यहां बीच में ब्रेक है यहां वापस माउंटेन है सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस ईस्टर्न घाट इज नॉट कंटिन्यूअस बट विथ इज मोर यहां कोस्टल प्लेन्स का विथ ज्यादा है यहां कोस्टल प्लेन्स का विथ कम है देन विंध्या सतपुड़ा एंड सेंटर पार्ट ऑफ भिल्ली रीजन एंड वेस्टर्न घाट एंड ईस्टन घाट सो डेट आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन्स नाउ इंडिया इज ब्लेस्ड विथ लॉन्ग कोस्ट लैंड एक्सटेंडिंग फॉर अप्रोसीमेटली सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लैंड है इंडिया काउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर वेस्टर्न एंड ईस्टन पार्ट ऑफ पेन्सुल वेस्टर्न पार्ट में भी इंडिया के माउंटेन सॉरी सी है और ईस्टर्न पार्ट में भी सी है सी के पास जो लैंड है दैट इज कॉल्ड एस कोस्टल लैंड और कोस्टल रीजन और कोस्टल प्लेन्स इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट और रिमार्केबल डिसिटीज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अलग है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अलग है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का विथ कम है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का विथ ज्यादा है दिस इज डेल्टा वेन रिवर्स आर वेर रिवर्स आर लॉन्ग रिवर्स रिवर्स आर ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ सैंड एंड सेडिमेंट अला अलॉन्ग विध इट सो ये डिपॉजिट करने के बाद यहाँ छोटे छोटे आईलैंड बन जाते हैं सो so यहाँ डेल्टाज बनता है ईस्टर्न साइड के जो प्लेन्स हैं वो डेल्टास बनाते हैं और वेस्टर्न साइड के जो रिवर्स है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं अरेबियन सी की तरफ फ्लो करते हैं वहां ईस्टूरीज बनाते हैं सो ईस्टर्न वेस्टर्न गार्ड के जो रिवर्स है दैट आर मेकिंग ईस्टूरीज क्योंकि रिवर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है रिवर बहुत फास्ट फ्लो करता है फास्ट फ्लो करने के बाद यहाँ क्रीक बन जाता है इट इज़ लाइक अ क्रीक सो इट इज कॉल्ड एज ईस्टूरीज और वेस्टर्न साइड के जो रिवर्स है दैट आर वेरी शॉर्ट रिवर्स दैट आर वेरी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स ईस्टर्न साइड के जो रिवर्स है दैट आर वेरी स्लो फ्लोइंग रिवर्स ये जब रिवर्स सी के पास आते हैं तो ये बनाते हैं। एक एक, एक 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 सैंड का डैम जैसे बन जाता है। लाइक और इट इज डिवाइडिंग दिस रीजन बॉर्डर्स द अरेबियन सी एंड इट इज बाय लार्ज रॉकी सॉर्ट रॉकी कोस्ट सो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ रॉक एट प्लेस पर्स टेकिंग ऑफ द वेस्टर्न गार्ड्स हैव एक्सटेंडेड आप राइड टू द कोस्ट वेस्टर्न गार्ड्स के कुछ माउंटेन्स है ये कोस्ट तक चले गए हैं कोस्ट तक एंड कोस्ट में एंड हो गए हैंज वी हैव सीन इन दैप ऑल्सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का विथ कम है इस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का विद बहुत ज्यादा है रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्राम वेस्टर्न गार्ड्स आर शॉट एंड स्विफ्ट एंड हैंस दे फॉर्म इश्चुरीज एंड नॉट डेल्टा एज द रिवर्स आर वेरी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स रिवर फास्ट फ्लो करते हैं तो अपने साथ सैंड सेटिमेंट ज्यादा नहीं ले पाते

मैनी इज फ्लोइंग रिवर्स यूजिंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न गार्ड्स मीट दिस कोस्ट बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ लैंड रिवर फ्लो एट लो वेटीज एंड सेडीमेंट थ्रू देम एट द कोस्ट सी इफ यू सी द स्लोप ऑफ द लैंड यर द स्लोप ऑफ द लैंडल की बात करेंगे एक स्लड uh, की बात करेंगे स्लाइड जब भी सीधा होगा तो वो वो स्लोप स्टीप होता है वेस्टर्न साइड का जो वेस्टर्न गार्लोप है ये स्टीप है तो वहां के जो रिवर्स है बहुत फास्ट फ्लो करते हैं लेकिन ईस्टर्न साइड का ईस्टर्न गार्ड ईस्टर्न प्लेन्स का जो स्लोप है ये ये जेंटल स्लोप है तो ये स्लाइड को अगर हम टेढ़ा करेंगे तो ये जेंटल स्लोप होगा तो वहां अगर वाटर हम लीप छोड़ेंगे तो वाटर बहुत स्लो फ्लो करेगा वाटर जैसे स्लो फ्लो करेगा तो वो अपने साथ सैंड सेडिमेंट डिपॉजिट करते जाएगा एज इट इज डिपॉजिटिंग देन मोर एंड मोर मोर एंड मोर प्लेन मोर एंड मोर सैंड एंड सेडिमेंट आर डिपॉजिटेड एंड प्लेन्स आर फॉर्म सो वेस्टर्न साइड का जो प्लेन है दैट दैट इज इज स्टीप स्लोप Western side of plains that is having gentle slope. Uh, so the velocity of river is less. As the velocity of river is less, it is depositing more and more sand. As a result, deltas are found on the coast. So in the eastern coast, we are having deltas. Let us talk about island now. India has many small and large islands along the coast of mainland. These are included in the coastal island group. Beside India has two large groups of Island. अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल सो इंडिया के जो कोस्टल रीजन में जो आइलैंड्स है दट आर पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन और जो मेन आइलैंड है सी इन अरेबियन सी वी आरिंग लक्षदीप आइलैंड वी आरिंग अंदमान एंड निकोबार आइलैंड मोस्ट ऑफ द आइलैंड इन लक्ष्मीपल आइलैंड अटोल आइलैंड मीन्स एक रिंग जैसा होता है रिंग इज मेड अप ऑफ सैंड और रॉक्स एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ कोरल रीव्स

कूल cool होने के बाद हार्ड फॉर्म बन जाता है एंड हार्ड फॉर्म बनने के बाद वो आइलैंड्स बन जाते हैं इन अंदमान एंड निकोबार आइलैंड वी आर हैविंग अ आइलैंड कॉल्ड एज बैरन आइलैंड बैरन आइलैंड इज ओनली एक्टिव वॉलैनो ऑफ इंडिया आज भी वो वॉलैनो है सो बैरन आइलैंड इज ओनली हैविंग अ वॉलैनो इन इंडिया आइलैंड्स इन द अरेबियन ग्रुप आर मेनली मेनलीनिक आइलैंड दे आर लार्ज विद हिल्स इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंक्लूड्स आइलैंड कॉल्ड एज बैरन आइलैंड विच एज द ओनली एक्टिव वॉलैनो इन इंडिया There are atolls in the Andaman group group So, uh, group two. so in the uh, Andaman Nicobar group also we are having atolls. So hope you have understood this part. In the second part we will talk about the physiographic divisions of Brazil. So if you have understood this video, please share the video with your friends. Also please subscribe to the channel. Also tell your friends to subscribe to the channel. And thank you for watching.